बिहार में बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हमला बोला। राजीव रंजन का कहना है कि लालू के पास अगर बेनामी संपत्ति नहीं है तो फिर सीबीआई के पास जाकर जवाब दें। मोदी की सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रही है। जब कोई चार्जेस है और आपने गलत नहीं किया है तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? आप जाइए और हर पहलू पर जो वो पूछता वो बताइए आप उसको। और ये सरकार, मोदी जी की सरकार, एक ऐसी सरकार है सबके साथ सबका साथ सबका विकास। अगर आप सही होंगे तो मोदी सरकार का कोई अधिकारी किसी हालत में भी आपको तंग नहीं करेगा, किसी हालत में आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन आप ये समझते हैं कि हमने सब कुछ किया है, केवल घपला किया है और छोड़ देंगे, ये सोचना गलत है। मोदी जी के सरकार में कोई गलत करके बच नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने भी लालू पर बयान देते हुए कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों को बिहार में यादव वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी, और साथ ही कहा कि लालू यादव बिहार में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय मंत्री हुए हैं, उन लोगों को भी बिहार में अपना जोर लगाना चाहिए। बिहार के पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको भी अभी से सब क्षेत्र में जाना है, सब में काम करना है पूरे बिहार में। और इसी बिहार में हम लोग 92 सीट जीत गए थे। लालू चुनौती है बिहार में, लालू चुनौती है बिहार में लोकसभा चुनाव में, तो चुनौती रहेगी। जो कहेगा कि नहीं चुनौती है तो हम समझते हैं कि वो सत्य नहीं बोल रहा। हम जितने ज्यादा लोगों से बात करते हैं, एक नहीं कहता है कि हम बीजेपी को। बता दें कि लालू यादव पर लगे आरोपों को लेकर सीबीआई दो बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है और दोनों बार ही राजनीतिक कारणों का हवाला देकर सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो वहीं बिहार की राजनीति हमेशा से ही पेचीदगियों से भरी रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के तहत बिहार में यादव वोटों को अपनी तरफ करने में जुट गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।